निकल रहे हैं हम घर से। तो जी कर ली मैंने गाड़ी स्टार्ट सुबह, इसको 10-15 मिनट ऐसे ही रखना होता है आज सर्दियों में, 15 मिनट तो नहीं 5-6 मिनट तो रख ही देते हैं हम। तो अभी निकल रहे हैं कॉलेज, बाकी बातें हम आगे जाके करेंगे क्योंकि पहला है तो आज पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे करना होता है व्लॉगिंग में, तो देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमने साइड लिया, आप देख सकते हो GDC बारामूला है हमारा कॉलेज, यहीं पे मैं पढ़ता हूँ। बाकी आप देख सकते हो ये रहा रोड जो सोपोर श्रीनगर से आता है और यहाँ से जाते हैं हम बारामूला। ये है हमारे कॉलेज की फ्रंट वाली पार्क और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अभी आया मेरा फ्रेंड शारिक। हाँ शारिक, कहाँ थे अभी तक? जी गाड़ी हमारी बहुत लेट आती है और स्लो भी चलती है, आपको पता ही हो कितना टाइम लगाती है गाड़ियाँ, तो फिर अभी पूछा मैं। चानि बर तल रायम हर ची आवाज वचिनो। लगता है कि सबसे पहले मैं ही आया हूँ, देख सकते हो आप कोई भी नहीं है कॉलेज में। जी ये रहा हमारा प्यारा सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया स्टडीज़ स्किल एंड रिसर्च सेंटर बारामूला, यहाँ मैं पढ़ता हूँ। और यहाँ ये लॉन है हमारा जहाँ हम बैठते हैं, दिन भर तो नहीं, जब क्लास ख़त्म होती है तो फिर यहाँ आते हैं, खाना यहीं पे खाते हैं और डिस्कशंस वगैरह भी यहीं पे ऑलमोस्ट करते हैं क्योंकि आज सर्दी है तो बाहर ही बैठते हैं ज़्यादा। अंदर हमारा डिपार्टमेंट अभी बंद ही है, अभी मुझे लगता है मेरे डिपार्टमेंट में मैं ही आया हूँ सबसे पहले। कर रहे हैं हम वेट अपने दोस्तों का जो अभी तक नहीं आए, पता नहीं आज हम जल्दी क्यों आए, मुझे पता ही नहीं चला मैं इतना जल्दी क्यों नहीं निकला। कौन सी बात इसमें एडिट करो ना, बात करने में क्या होता है। तो आकिब अभी सेल्फीज उठा रहा है, इसको पता नहीं आज फ्राइडे सेशन है, आज इसका प्रोग्राम भी है कुछ डिबेट करना है। पुलवामा इलाके में उस वक्त परसों मिलिटेंटों के दरमियान झड़प, तब पुलिस ने इस पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लिया। फोर्स को इतला मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, जो ही फोर्स ने इस पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लिया तो मिलिटेंटों ने फोर्स के ऊपर फायरिंग की, जिसके तबादले में फोर्स ने भी जवाबी कार्रवाई की। आखिरी इतला तक दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। वही शुमाली कश्मीर के सोपोर इलाके में भी रफियाबाद के इलाके में उस वक्त SOG पुलिस और आर्मी ने कार्डन डाला जब फोर्स को इतला मिली थी इलाके में मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। तो अभी हमारा फ्राइडे सेशन ख़त्म हो गया, मोरीन भाई हमारे साथ। हाँ जी भाई, कोई गुज्जा पीछे चल थोड़ा। हाँ मुझे बता ये। तो जी अभी आप मुझे ताजमहल की चैनल पर देख रहे हो और आपसे दरख्वास्त है इनकी चैनल सब्सक्राइब करें और इनको फुल सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और सीख रहे हैं अभी, बाकी चीज़ें तो आती है, फिल्म मेकिंग हो या फिर ब्रॉडकास्ट हो या फिर मैरिज वगैरह शूट करना होगा, इनको अच्छे से आता है, काबिल है उस चीज़ में। और अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हाल ही में, तो जल्दी जल्दी इनको जाके सब्सक्राइब करें और मुझे भी सब्सक्राइब करें, मुरीन शामीरी। ये रहा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन एंड सपोर्ट्स, इसके नीचे है हमारा कैंटीन, हम जा रहे हैं वहीं पर, मुरीन साथ है और हुरिया, चाय पीते हैं वहाँ पे, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। अभी हम चाय ले रहे हैं और अभी हम चाय पियेंगे क्योंकि बहुत ठंड लग गई और चाय से अब पता ही होगा आपको गर्मी हो जाती है, तो चाय इज गुड। ओरियो फाइनली, इन बंदों को जानते हो तुम लोग? ये है बिलाल, ये है उमर और ये है आबिद। आज 2-3 महीनों के बाद मैंने इनको कॉलेज में देखा, वो भी तब इनका एग्ज़ाम है तभी आए, वरना नहीं आते, और वो भी विदाउट यूनिफॉर्म आए हैं। हाँ जी भाई क्या यूनिफॉर्म नहीं रही है कॉलेज में? क्यों? अपना अपना ठंडा होता है। सही सही। तो आबिद भाई आप बताइए, आप किस वजह से आज कॉलेज आए, हमें थोड़ा अपने बारे में बताइए, सीनियर हो आप हमारे। अब हम अपनी सर्टिफिकेट लेने आए थे।
अमर भाई क्या बताना चाहते हो आप? मैं क्या बता रहा हूँ, इसने बोला हम बारामला जाते, मुझे ये भी नहीं पता है हमें एग्जाम का किस चीज़ का एग्जाम है आज? इसने बोला हम किस सब्जेक्ट का एग्जाम है पता नहीं, देखेंगे पेपर पे पेपर क्या लिखा हुआ। ऐसे स्टूडेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। पर तो जी, जब मैं कॉलेज से बाहर निकला मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया, क्योंकि कुछ काम आ गया था अपना ही, तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो अभी मैं आप लोगों के साथ ये छोटा सा व्लॉग शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको इसमें मज़ा आया होगा। बने रहिए मेरे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।